यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। तुरंत लिख देता है जो हम बोलेंगे ना, तुरंत लिखने के लिए तैयार रहता है। गूगल है बहुत तेज है। लिखते हैं, कंसिडर इंटरफेरेंस बिटवीन टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज। कैपिटल आई एंड फोर आई फोर आई। कंसीडर का सी हम कैपिटल कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ठीक है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट पॉइंट्स वेयर द फेज डिफरेंस इज व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द फेज डिफरेंस इज। पहला पॉइंट, पहला जो पॉइंट है फेज डिफरेंस का वो कितना है, पाई बाई टू, और दूसरा पॉइंट है पाई, दूसरा पॉइंट है पाई। मैं इससे लिख देता हूं, पहला पॉइंट है फेज डिफरेंस पाई बाई टू एंड दूसरा क्या है पाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखने में तो छोटा मोटा है लेकिन है बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसमें एक फॉर्मूला मुझे और ऐड कर देना चाहिए था, वो ये है। बच्चों ये बताओ, फॉर्मूला नंबर 11, पाथ डिफरेंस इक्वल टू, मैंने बताया था क्या बताया था, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। एक और फॉर्मूला बता देना चाहिए था। अच्छा चलो बाद बताएंगे, बहुत आएगा, बहुत आगे बताते चलेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कंसिडर इंटरफेरेंस बिटवीन टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड फोर आई। मतलब आई वन की वैल्यू है आई, बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड आई टू की वैल्यू है फोर आई। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, पहला पूछ रहा है कि जहां पर फाई की वैल्यू पाई बाई टू है वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा। तो फॉर्मूला तुम लोग जानते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाई। बस कॉस फाई की जगह हम पाई बाई टू रख देंगे। पहली बार में आई आर इक्वल टू होगा, आई वन की वैल्यू हो गई आई प्लस फोर आई प्लस टू रूट आई इंटू फोर आई कॉस पाई बाई टू, और कॉस 90 कितना होता है, जीरो। ये पूरा क्या हो गया, जीरो। तो इधर क्या मिला, बस फोर आई प्लस आई फाइव आई, पहला आ गया। समझ में आई कि नहीं आई, आई। दूसरा देख लेते, इसमें क्या बोल रहा है, ए अच्छा बात नहीं। दूसरा बोल रहा है फिर से निकालो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है पाई। फॉर्मूला रख लो, आई आर इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू। देखो मैं हर क्वेश्चन करते समय फॉर्मूला लिख रहा हूं, जब मैं जंगर चोरी नहीं कर रहा हूं, जंगर चोरी नहीं कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि एग्जाम में आप क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, है ना। ये नहीं कि हम तो जानते हैं, हो सकता है अगला नहीं जानता हो क्या आप यूज करना चाह रहे हैं, है कि नहीं। तो आप पूरा लिख के जाइएगा, नहीं तो नंबर कटता है, कंफर्म कटता है 200% गारंटी के साथ। आई वन की वैल्यू आई, आई टू की वैल्यू फोर आई प्लस टू रूट आई इंटू फोर आई, और कॉस फाई की वैल्यू हो गई कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है याद करो, कॉस जीरो की वैल्यू वन तो ये होता है पाई, पाई की वैल्यू क्या होगी माइनस वन। ठीक है, तो आई आर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 5 आई प्लस 2 इंटू, ये बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा 2 आई, और कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, तो आई आर की वैल्यू कितनी मिल गई 5 आई माइनस 4 आई, कितना हो गया आई। समझ में आई कि नहीं आई, चलो छापो आई। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मिनिमा टू मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 9:25 फुल स्टॉप। सेमीकोलन की जगह हमें कोलन बोलना चाहिए था। 9:25,
रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मिनिमा टू मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, 9:25। चला द नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ टू स्लिट्स। फुल स्टॉप। ठीक है, फॉर्मूला जोड़ते हैं ऊपर, फॉर्मूला जोड़ते हैं ऊपर। अभी ऊपर हमने बताया था, ध्यान से देखो, यहां पर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। पक्का? तो हम आई मैक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, थर्ड फॉर्मूला शायद लिखे भी होंगे, आई मैक्स इज इक्वल टू था के ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी क्या था, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना। और आई मीन का एक फॉर्मूला लिखा होगा, शायद आप लोग बता सकते हैं, आई मीन, मीन क्या था जल्दी बताओ, के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, याद आ रहा है सबको? चलो बहुत अच्छे, याद है तो बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। तो हमको क्या दे रहा है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मिनिमा, मतलब आई मीन अपॉन में आई मैक्स का रेशियो गिवन है कितना, 9:25 ये गिवन है। हमको क्या कह रहा है टू फाइंड करने के लिए, टू फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ टू स्लिट, मतलब डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू बी, दोनों स्लिट का विड्थ का रेशियो निकालिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक बात बताओ बच्चों, ये एक स्लिट है सपोज करो, यहां आपके पास स्क्रीन है, पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर क्वेश्चन लगाया जाएगा। अगर स्लिट इतना खुला हुआ है, स्लिट का भी वेट इतना है, तो यहां इंटेंसिटी मान लो इतनी होगी। अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ा दूं, ये विड्थ बढ़ गया देखो, तो इंटेंसिटी यहां बढ़ेगी या कम रहेगी? बढ़ेगी। अरे भाई एक विंडो छोटा सा खोलो, कम लाइट अंदर आएगी, विड्थ और बड़ा कर दो, लाइट की इंटेंसिटी अंदर क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में एक बात आ रही है, वो ये आ रही है, वो ये आ रही है कि इंटेंसिटी जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। जितना ज्यादा विड्थ होगा उतना ज्यादा अंदर इंटेंसिटी आती रहेगी। किसी बच्चे को तकलीफ? यस नो? और हमको पता है कि जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, होता है ना, कहानी बना लो इसी से, यही खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं। इंटेंसिटी जितना ज्यादा विड्थ उतना ज्यादा इंटेंसिटी, और हमको पता है कि जो इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। देख ध्यान से देखना, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दिया तो मजा आ जाएगा, फिर काम बन जाएगा दो नंबर का। आई मीन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और आई मैक्स को ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/25। कोई तकलीफ? यस नो? ए क्या है और बी क्या है बताओ, या ए और बी क्या था, वीडियो वाले बच्चों को बता सकता है कि ए और बी क्या था, कोई भी बच्चा याद करके दिखाओ। याद होगा कि इस पहले वाले स्लिट से जो रे निकलती थी उसका एम्पलीट्यूड हुआ करता था ए, और दूसरे वाले स्लिट से जो लाइट निकलती थी उसकी एम्पलीट्यूड हुआ करता था बी। तो ए और बी है क्या, एम्पलीट्यूड है, ए और बी क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब समझ में आपको आने लगेगा, तो देखो ध्यान से। तो एक काम करते हैं, इसमें से बी बाहर निकालते हैं, दोनों में से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा यहां पर बी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ए बाई बी माइनस वन का होल स्क्वायर। नीचे भी बी बाहर निकालते हैं, बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा ए बाई बी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/25। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर लेते, कोई तकलीफ? क्यों किया? अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए। चाहो तो आप वैसे भी रहने दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, तो हम जांगर बचाने का काम कर रहे थे। फिर बच्चों मुझे बताना,
इससे इंटेंसिटी थी आई वन, इससे इंटेंसिटी थी आई टू, ठीक। और मैंने बताया है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, होता है क्या? अभी ऊपर देखो लिखे हैं उसी प्रकार दूसरे वाले की बात करें, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस नो? तो बताओ बच्चों ए, अब हमको विड्थ और इसके बीच में रिलेशन क्या दिखेगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट डब्ल्यू वन, ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट डब्ल्यू वन के लगा करके, बी इक्वल टू भी क्या होगा जल्दी बताओ, के लगा के अंडर रूट में डब्ल्यू टू होगा, तो बस यही रख लेते हैं, हमारा खेल दिखने लगेगा। देखो ए की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, अंडर रूट में डब्ल्यू वन अपॉन में बी की जगह अंडर रूट में डब्ल्यू टू माइनस वन का होल स्क्वायर, के ऊपर के नीचे कट जाएगा, काम खत्म, के से मुझे मतलब ही नहीं। नीचे भी देखते हैं, ए की जगह हो गया अंडर रूट में डब्ल्यू वन अपॉन में बी की जगह हो गया अंडर रूट में डब्ल्यू टू का प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस नो? वीडियो वाले बच्चों यस नो? यस सर। तो अगर ऊपर का पावर दोनों इक्वल होता है तो अंदर की वैल्यू आपस में बराबर लिखते हैं, लिख सकते हैं ना? तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं देयरफॉर, यहां से यहां दूसरे पे देयरफॉर क्या होगा जल्दी बताना बच्चों, अंडर रूट में देयरफॉर अंडर रूट के अंदर डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू टू माइनस वन होल अपॉन में अंडर रूट के अंदर डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू टू प्लस वन इक्वल टू थ्री बाई फाइव, ऐसा लिख सकते हैं, पावर बराबर है तो अंदर की वैल्यू आपस में बराबर होती है ना, प्लस माइनस करके होता है, ठीक है। तो विंडो कभी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से हमने नेगेटिव यहाँ नहीं लिया है ना, विड्थ कभी नेगेटिव नहीं आता, नेगेटिव ले ही नहीं सकते, इसी वजह से नेगेटिव नहीं लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मिलेगा फाइव अंडर रूट में डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू टू माइनस फाइव इक्वल टू, इसको इधर भेजते हैं थ्री अंडर रूट में डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू टू प्लस थ्री, बात समझ में आ रही है क्या? डब्ल्यू डब्ल्यू को एक साथ रख लिया और नंबर नंबर को एक साथ रख लेते हैं, तो ये इधर लाते हैं फाइव फाइव अंडर रूट में डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू टू माइनस का थ्री अंडर रूट में डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू टू इक्वल टू, इधर थ्री था और इधर चला जाएगा प्लस फाइव, कोई तकलीफ? पांच में से तीन गया कितना बचेगा, दो, लिख सकते हैं टू अंडर रूट में डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू टू इक्वल टू एट, काट लिया कितना हो गया फोर। अब हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू टू का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर का स्क्वायर, तो ये मिल गया डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू टू इक्वल टू कितना मिल गया 16 बाई वन, मतलब डब्ल्यू वन रेशियो डब्ल्यू टू इक्वल टू कितना आया 16 रेशियो वन। ये क्वेश्चन आता है और 99% बच्चे गड़बड़ करके आते हैं क्योंकि उन्हें ये रिलेशन बनाने नहीं आता, ये फॉर्मूला बनाने नहीं आता, ये जो हमने बनाया यहाँ इंटेंसिटी और इसका जो कर्व, ये जो कहानी बनाया, ठीक है, ये फॉर्मूला जो बना लिया समझो क्वेश्चन कर लिया। अब फॉर्मूला तभी बन सकता है जब ये बच्चा ये जानता हो ये कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला नोट कर लो।